यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्व सैनिकों के लिए 84 पोस्ट रखे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 700 रखी गई है। तो पुलिस के पूर्व सैनिकों के लिए 84 पोस्ट रिजर्व करके रखे गए हैं, ये वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं 27 मई 2023 से लेकर 17 जून 2023 तक, 23 जुलाई 2023 को यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों, ये वैकेंसी आपको मिलेगी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से निकाली गई है और ऑनलाइन के माध्यम से chandigarhpolice.gov.in के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना होगा। लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर दी जाएगी, कांस्टेबल के पद होंगे और यहाँ पर 700 पोस्ट हैं जिसमें कि 23 पद बैकलॉग हैं। एज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है, 25 साल, 28 साल और 30 साल अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 45 ईयर एक्सेस में ऑन द कट ऑफ डेट जो कि इसकी है 20/5/2023 तक, 45 ईयर तक होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी होमगार्ड वगैरह जो वॉलेंटरी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए जो जिन्होंने 10+2 किया हुआ है उनको यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिक जिन्होंने 10th पास किया है, जिनके पास डिफेंस सर्विस से रिलेटेड यानी आर्मी स्पेशल गेजन सर्किट है, उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ही होना चाहिए आपके पास, पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ टू व्हीलर और फोर व्हीलर से संबंधित आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल भी आपके पास होना चाहिए। अप्लीकेशन फीस वगैरह आने के लिए रखी गई है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जामिनेट किया गया है जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट होगा इसका, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है जो कि ओमार पर होगा और जिसमें कि 100 मार्क्स का जो रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है 0.25 विद एवरी रॉन्ग आंसर पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर जो टेस्ट होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, टेस्ट शैल बी हिंदी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में आपके पास जो है तीनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। कट ऑफ जो मार्क्स है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए 30% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स, 100 नंबर का है तो 30 मार्क कम से कम आपके आने चाहिए। उसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास बी है, सी है या फिर ये है उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी जिसकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। बाकी हाइट वगैरह यहाँ पे दी गई है। फिजिकल एब्सेंसी एंड मेजरमेंट PEMT टेस्ट होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जो रन वगैरह होगा, दौड़ होगी, रेस अलग अलग यहाँ पर एज वाइज इसमें छूट दी गई है। तो 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 ये इस कैटेगरी में पूर्व सैनिक ही आते हैं तो उनको यहाँ पर हर फील्ड में छूट दी जाएगी। 1600 मीटर रन में जहाँ 18 से 30 साल वालों को 6.14 मिनट मिलेगा, वहीं 35 साल वालों को 7 मिनट, उसके बाद 40 साल और 45 साल वालों को यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया गया है। लॉन्ग जंप है, उसकी डिटेल सब आपको यहाँ पर एज वाइज दिया गया है जिसमें कि पूर्व सैनिक ही हैं जिनको कि यहाँ पर छूट दी गई है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है chandigarhpolice.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो कि चंडीगढ़ पुलिस की ओर से निकाली गई है। ये वैकेंसीज के लिए पूरे भारत से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये है यूनियन टेरिटोरी की, तो यहाँ पर पूरे भारत से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये थी डिटेल्स आज की। जय हिंद।